अब हम इमेज व्यूअर के बारे में पढ़ेंगे. इमेज व्यूअर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले स्टोर्ड ग्राफिकल इमेजेस. इट कैन ओपन हैंडल वेरियस ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट्स. कि हमारे पास यूटिलिटी, जैसे इमेज व्यूअर जो है वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है. प्रोग्राम है, इससे हमारे पास ये होगा कि हमने जो भी ग्राफिकल इमेजेस, जैसे कि हमारे पास जो इमेजेस होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है वो, और किस तरह उनको व्यू करना है, वो इमेज व्यूअर के थ्रू होता है. ठीक है. सच सॉफ्टवेयर यूजुअली रेंडर द इमेज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्प्ले सच एज कलर डेप्थ, डिस्प्ले रेजोल्यूशन एंड कलर प्रोफाइल. हमारे पास रेंडर का मतलब होता है इसके अंदर जो चेंजेस लानी है, जो हमारे पास डिफरेंट रेंडर का मतलब है इसको चेंज करना, या फिर इसको में जो भी तब्दीलियां आएंगी वो देखना. जैसे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, तो हमने एक इमेज का डेप्थ, कलर डेप्थ चेंज करते हैं, उसकी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं कि मतलब ये, और उसके जो है पिक्सल्स को देखते हैं फिर, एंड कलर इमेज और कलर प्रोफाइल जो है वो चेक करते हैं. ठीक है. वाइल यूजिंग दिस प्रोग्राम द यूज़र कैन व्यू, कॉपी, मूव, प्रिंट, एडिट, रोटेट, जूम एंड डिलीट एन इमेज. इसके थ्रू, इमेज व्यूअर के थ्रू हम जो है किसी इमेज को कॉपी भी कर रहे हैं, मूव भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिर प्रिंट भी कर लेते हैं, एडिट भी कर सकते हैं मतलब उसमें कोई चेंजेस करनी है तो, फिर रोटेट, जूम अगर हमने उसको और से देखना है वो, और डिलीट भी कर सकते हैं. इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दिस यूटिलिटी कम्स विद द नेम ऑफ विंडो फोटो व्यूअर. हमारे पास फोटो व्यूअर के फॉर्म में ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो में मौजूद होता है. वो हम कैसे एक्सेस करेंगे अब वो आगे बता रहे हैं. हम क्लिक ऑन पहले करेंगे, क्लिक स्टार्ट बटन पे. स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. जब हमारे पास स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले होगा ऑल प्रोग्राम्स. ठीक है. उस पर क्लिक करेंगे. ऑल प्रोग्राम में हम जाएंगे एक्सेसरीज़ पे. एक्सेसरी से हम जाएंगे, एक्सेसरी से हमारे पास और जो है आगे ऑप्शंस आ जाएंगे. वहाँ पे हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन पिक्चर्स, अ विंडो अपीयर्स. देन फिर हम क्लिक पिक्चर्स पे जो है, यहाँ हमारे पास ये लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी. फिर उसमें हम जो है पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे. अब विंडो अपीयर्स, देन क्लिक ऑन सैम्पल विंडोज़. फिर हम इस पिक्चर्स में से ही हम सैम्पल वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे. फिर उसमें सैम्पल वीडियोज़ में जो भी हमारे विंडो में मौजूद पिक्चर्स होती हैं वो सामने हो जाती हैं, जैसे कोई फ्लावर की होगी, फ्रूट्स की होगी, कुछ भी इस तरह के इमेजेस होंगे. ठीक है. फिर पिक्चर ओपन्स इन विंडो पिक्चर और फैक्स व्यूअर. ठीक है. हमारे पास डिफरेंट, अब ये देखें इधर भी उन्होंने दिखाया हुआ कि कैसे इमेजेस हमारे पास मौजूद होते हैं. ये सैम्पल फोल्डर ऐसे ओपन होगा, और फिर उसके बाद ये उन्होंने पेज 16 पे बताया हुआ हमारे पास, और विंडो फोटो व्यूअर में ये इस तरह फ्लावर्स की इमेज हमें नज़र आ रही है. ठीक है. अब डिस्क स्कैनर, डिस्क स्कैनर भी हमारे पास एक यूटिलिटी प्रोग्राम है. अ डिस्क स्कैनर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अ डिस्क एंड रिजॉल्व दोज एरर. फिर उसके बाद हमारे पास डिस्क स्कैनर आ जाता है कि वो भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है. वो डिटेक्ट कर रहा है और करेक्ट कर रहा है कुछ भी, कोई फिजिकल या फिर कोई ऐसी कोई हमारे डिस्क के साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पास अंदर उसके लॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको जो है रिजॉल्व करता है, उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट भी करता है, करेक्ट भी करता है, और उन्हें रिजॉल्व भी करता है, मतलब उन्हें सॉल्व भी करता है. ठीक है. इट इज़ Also searches the disk and removes unwanted files. कि हमारे पास इस ये जो है डिस्क में देखता है कि हम सर्च करते हैं कोई ऐसी अनवांटेड फाइल्स मौजूद हैं तो उनको रिमूव कर देता है. अ फिजिकल प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द वन विद द मीडिया सच एज अ स्केच ऑन द सर्फेस ऑफ द स्क्रैच ऑन द सर्फेस ऑफ द डिस्क. हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि वो जैसे अगर कोई हमारी डिस्क पे ना स्क्रैच आ गया, स्क्रैच आ गया तो वो हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम होगी, उसको भी डिस्क स्कैनर चेक करेगा, और अंदर से अगर कोई प्रॉब्लम है, लॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो भी. टू डिस्क स्कैनर यूटिलिटी इन विंडोज आर स्कैन डिस्क एंड डिस्क क्लीन अप. ठीक है. वो हमारे पास दोनों मौजूद होते हैं. अब आगे हम ये देख लेते हैं. Using disk up clean, disk clean up. ठीक है. Click on start button. Start button पर click कर रहे हैं. All वहाँ से हम जाएंगे all programs की तरफ. All programs में फिर हमारे पास आ जाएगा
किस पे एसेसरीज़ पे क्लिक करेंगे, एसेसरी से सिस्टम टूल पे क्लिक करना है, फिर उधर हमारे पास ऑप्शंस में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी डिस्क क्लीन अप, डिस्क क्लीन अप में हम जाएंगे, फिर डिस्क क्लीन अप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये जो चीज़ होती है इसको हम, ये आपको पेज 16 पे ही नीचे एक बॉक्स नज़र आ जाए, इधर लिखा सेलेक्ट द ड्राइव यू वॉन्ट टू क्लीन अप, तो हम यहाँ पर सी का लिख देते हैं, तो इधर क्लिक करेंगे तो वो सी ड्राइव में जो जो मौजूद होगा वो डिलीट हो जाएगा, क्लियर अप हो जाएगा, ठीक है। डिस्क क्लीन अप डायलॉग विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, इट डिलीट्स ऑल अनवांटेड फाइल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड डिस्क। फिर अब जो भी अनवांटेड फाइल्स होंगी वो फिर ये नीचे डिस्क क्लीन अप वाला ऑप्शन है ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो सारे जो भी डिस्क में हमारे पास अनवांटेड फाइल्स हैं वो सब डिलीट कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क स्कैनर, डिस्क स्कैनर था। अब हम